हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इसका नाम बिस्तु जॉब सेंटर। जैसे कि फ्रेंड आपने देख चुका है, आज हम प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ महत्वपूर्ण जीएसजी के डिस्कस करने वाले थे। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ये आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि सीबीएसई के। तो फ्रेंड आज हम डिस्कस करेंगे ओनली जीएस जिसके 20 क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका जो पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था वो 100 क्वेश्चन था, जिसमें हम देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड 2020 में, उसमें हमें को देखने को 120 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोग को ये देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो फ्रेंड सबसे पास आपको पता होगा फ्रेंड, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो है फ्रेंड हमें मावलंकर वीजी देखने को मिलता है। मावलंकर वीजी हमें देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड। मावलंकर वीजी जो है 1951 में इन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये फ्रेंड आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फ्रेंड, वही फ्रेंड बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू पता होगा फ्रेंड आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में इनमें से कौन सा क्षेत्र बेहतर कार्य के लिए पुलजित पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड, ठीक है। आपको पता होगा फ्रेंड पुलिजर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका पत्रिका के क्षेत्र में आपको दिया जाता है। पत्रिका जो होता है टीवी वगैरह में आप देखते होंगे पत्रिका, उस सब के क्षेत्र में आपको पुलजर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। ये आप सही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए फ्रेंड, सितंबर जो 27 सितंबर है हम लोग किस रूप दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 27 सितंबर जो है फ्रेंड हम लोग वो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है 27 सितंबर को। वहीं भारतीय पर्यटन दिवस की बात करें फ्रेंड तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड याद रखना कि 25 जनवरी को हम लोग मतदान दिवस भी मनाते हैं, भारत मतदान दिवस, ठीक है फ्रेंड। तो ये साथ साथ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। भारतीय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्य अवधि का कितना वर्ष होता है। तो फ्रेंड आपको पता होगा जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया फ्रेंड, यूनियन टेरेटरी बन गया, यानी यूनियन टेरेटरी बन गया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये साथ साथ ये जरूरी नहीं याद करने का, ये समझने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो यह टेरेटरी बन गया यूनियन टेरेटरी, अब जो होगा इसमें अलग विधान पालिका, ठीक है फ्रेंड। ये जो होगा आपका सेंट्रल से जुड़ा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये साथ साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप यानी वाइट कॉन्टिनेंट बोला जाता है, वाइट कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो वाइट कॉन्टिनेंट जो है अटलांटिक महाद्वीप को कहा जाता है। अटलांटिक महाद्वीप को क्यों कहा जाता है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड क्योंकि यहाँ वर्षों भर जो है बर्फ़ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक सॉरी महासागर नहीं महाद्वीप, जिस कारण से वहाँ बर्फ़ से ढके होने का कारण क्या वाइट दिखता है, वाइट दिखता है, वाइट दिखने के कारण इसे वाइट महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये साथ ही साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में रहने वाले प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस पेशा से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है आपका चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड। फ्रांसवा बर्नियर के बारे में बता दें फ्रेंड, तो ये चिकित्सक थे, साथ ही साथ राजनीतिक थे, राजनीतिज्ञ थे, साथ ही साथ दार्शनिक थे, तो ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फ्रेंड, माउंट आबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। माउंट आबू में दिलवाला वाड़ा मंदिर जो है किस धर्म का है, ठीक है फ्रेंड। जो देख लीजिए अब इससे संबंधित क्या होगा, माउंट आबू जो हो गया मैन फ्रेंड, माउंट आबू कहाँ पे स्थित है फ्रेंड, तो ये अरावली पर्वत में है। अरावली पर्वत कहाँ स्थित है आपको फ्रेंड पता होगा, राजस्थान में अरावली पर्वत में एकमात्र जो है पर्वतीय वो माउंट आबू है जो राजस्थान के अरावली पर्वत में, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये जो किस धर्म से संबंधित है ये दिलवाड़ा मंदिर, वो आपका जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड। जैन धर्म से आपका संबंधित है दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है फ्रेंड। जैन धर्म की बात करें फ्रेंड तो सबसे भारत में सबसे कम जो है इन्हीं की हमें को इन्हीं को इन्हीं प्रजाति के आदमी को देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड। जैन ठीक है जिसमें हम लोग को 0.2% देखने को मिलता है जैन धर्म हमारे देश में, ठीक है फ्रेंड, भारत में ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, क्या है भारत के राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुबुद्दीन मीनार फ्रेंड, आपको पता हो कुतुबुद्दीन मीनार की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है फ्रेंड। कुतुबुद्दीन ऐबक वहीं पुनः निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है फ्रेंड। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ये शुरुआत की थी, कंस्ट्रक्शन सब ये था, फाउंडेशन वगैरह सब दे दिया था, लेकिन जो है इसको पूरा जो है पूर्ण तौर से जो है आपका महल जो बनाया था फ्रेंड कुतुब
मीनार जो बनाया था वो कौन था फ्रेंड, इल्तुतमिश को ये श्रेय जाते थे फ्रेंड। इल्तुतमिश जो थे वो कुतुब मीनार को पूर्ण करने का श्रेय लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक अवधि सेवा निवार करने वाला मुख्यमंत्री कौन है। तो फ्रेंड सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाला का रिकॉर्ड किसके तौर पर जाता था फ्रेंड, ज्योतिबा बासु। ठीक है फ्रेंड, ज्योतिबा बासु थे, ज्योतिबा बासु जो हो गए फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 2018 तक 2018-19 तक इनका जो रिकॉर्ड था बना था। लेकिन जो अब जो वर्तमान में पूछा जाएगा कि सबसे अधिक अवधि तक सीएम जो हो गया कौन है, तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ये पवन। ठीक है फ्रेंड, पवन जो कि सिक्किम के एक सीएम है जिनका नाम है पवन चामलिंग। ठीक है फ्रेंड, पवन चामलिंग को यह श्रेय आप जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, भारत में किस काल में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई। दशमलव प्रणाली की शुरुआत फ्रेंड आपको किस काल में दिया जाता है फ्रेंड, तो दशमलव प्रणाली की जो जो प्रणाली के आविष्कार जो है फ्रेंड गुप्त काल में हमने को देखने को मिलता है, गुप्त काल। ठीक है फ्रेंड, गुप्त काल की स्थापना किसने की, तो फ्रेंड श्रीगुप्त है गुप्त काल के संस्थापक। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ष 1969 ईस्वी में भारतीय सेना की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो इस स्थापना जो है किस शहर में मानी जाती है, तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड मुंबई। मुंबई में जो है भारतीय सेना का जो है 1969 में आपका स्थापना हुआ था मुंबई में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो, निम्नलिखित में से किस खेल में थर्ड आई का जो शब्द है फ्रेंड, थर्ड आई सब संबंधित किससे है, तो फ्रेंड आपको पता होगा थर्ड एम्पायर जिससे आपका क्रिकेट से संबंधित है, थर्ड आई क्रिकेट से ही संबंधित है, तो ये भी साथ ही याद रखिएगा। सॉरी, 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किताब उल हिंद के लेखक किसे माना जाता है, तो फ्रेंड आपको पता होगा किताब उल हिंद जो है उसका जो लेखक है फ्रेंड आपका अलबरूनी जो है किताब उल हिंद के लेखक है। ठीक है फ्रेंड, इस किताब को दूसरे नाम से जाना जाता है फ्रेंड। ठीक है, शायद से तुगला के हिंद है जिसका इसका इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तुगला के हिंद से भी शायद इसका जो अलबरूनी की किताब जो है किताब हिंद को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के दक्षिण बिंदु जो हो गया निकोबार द्वीप समूह कौन सा स्थित है, तो फ्रेंड भारत का दक्षिण बिंदु बोला जाए तो फ्रेंड भारत का दक्षिण बिंदु जो है फ्रेंड आपका इंद्रप्रवाहित। ठीक है फ्रेंड, इंद्र प्रोवाइड जो है भारत का दक्षिण बिंदु माना जाता है, भारत का दक्षिण बिंदु आपका इंद्र प्रोवाइड माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा ऋग्वेद के ऋग्वेद फ्रेंड ऋग्वेद के बारे में बताएं, तो फ्रेंड ऋग्वेद जो है ऋग्वेद को हम लोग सबसे पुराना वेद माना जाता है फ्रेंड। ठीक है, सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद का। ठीक है फ्रेंड, तो ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता कौन था फ्रेंड, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता फ्रेंड इंद्र और अग्नि को ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में उरी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो फ्रेंड उरी जो है आपका कहाँ पे आपको पता होगा उरी अटैक, तो ये कहाँ पे हुआ था फ्रेंड आपका जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक मयूर शासन सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक थे, तो फ्रेंड आपको पता होगा अंतिम शासक जो थे जो पीकॉक थ्रोन बोला जाता है, पीकॉक थ्रोन जो बोला था फ्रेंड उसमें बैठने वाला अंतिम शासक कौन थे, तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड मोहम्मद शाह जो इकलौता ऐसा अंतिम शासक थे जो मयूर सिंहासन पे बैठे। ठीक है फ्रेंड, इसका हो गया फ्रेंड आपका मोहम्मद शाह। फ्रेंड मयूर सिंहासन की बात करें फ्रेंड, तो इसको चारों ओर आपका डायमंड से घिरा हुआ रंग बिरंग के सोने के चरत पर चढ़े रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपका मयूर सिंहासन की खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, भारत के किस राज्य में हीरा पाया जाता है, तो फ्रेंड हीरा जो है सबसे पहले फ्रेंड हीरा की बात करें तो फ्रेंड सबसे जो पहले पाया जाता फ्रेंड आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता। ठीक है फ्रेंड, आंध्र प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में आपका हीरा का खूब खेती हुआ करता था पिछले साल में, लेकिन अब जो हो गया फ्रेंड इसका हीरा का जो अधिक मात्रा में आप जो खुदाई होता है फ्रेंड आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब जो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो सही आंसर हो मध्य प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, तो पहला लास्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम बताइए, जो पर्यावरण है हम लोग का उस संरक्षण
करने के लिए कौन सा काम कर रही है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ग्रीन पीस। ग्रीन पीस ऐसा एक ऐसा संस्था है जो पर्यावरण संरक्षण से संगठित जो है काम करती है। तो फिर आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, और जितना हो सके फ्रेंड अपने फ्रेंड और रिश्तेदार को ये चीज़ भेजना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।